हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूं आपके साथ नम्रता। सुबह के 5:55 हो रहे हैं, 6 बजे के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं 7 अगस्त से उठ रही हूं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने खुद का रूटीन बनाया है, तो अभी 5:55 हो रहा है। मैं बाबू को यहाँ मसाज कर रही हूँ, और मसाज करने के दौरान यानी जब से बात शुरू की अभी तक में लगभग 6:05 हो गया है। ये भी उठ चुके हैं, बाबू भी उठ के यहाँ पे आ गया सोने, क्योंकि ये जब बेडरूम वहाँ टीवी वाले रूम में सोते हैं या हॉल में ये बुक वगैरह पढ़ते रहते हैं लेट नाइट तक, तो लाइट जला के करते हैं। तो यहाँ तो मैं बाबू को सुलाती हूँ, मैं सवेरे सो जाती हूँ, ये फिर उठ के यहाँ आ जाते हैं या वहाँ सोते हैं, जहाँ जिसको जैसी सुविधा होती है। तो सब लगभग उठ गया है, मैं बाबू को मसाज कर रही हूँ। ये बोल रहे थे मैं थोड़ा सा बाबू को प्यार कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी इसकी नींद खुल जाएगी तो फिर परेशानी होगी, मैं लंच वगैरह नहीं बना पाऊँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटे से बच्चे के साथ और स्कूल गोइंग बच्चे के साथ मेरा शेड्यूल क्या होता है, सुबह से उठ के मैं किस तरह से पूरा काम करती हूँ तारतम्यता से रूटीन के साथ। और अभी चूँकि शुरू नया नया रूटीन बनाया है, तो मैं उस डायरी को सामने में रखती हूँ ताकि मेरे माइंड से कोई वर्क मिस ना हो। और यकीन मानिए डियर, मैं 7 अगस्त को मैंने रूटीन बनाया है, 8 अगस्त से मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और लगभग थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऊंच नीच 1-2 दिन हुआ है, लेकिन मेरे उठने में और नहा कर पूजा करने में या बाबू के मसाज में इसमें कहीं भी ऊंच नीच नहीं हुआ है। थोड़ा सा नहाने का टाइमिंग आगे पीछे हो गया है बाबू का, तो वो भी मैं बताऊंगी कैसे क्यों हुआ है, लेकिन अभी तक इसी तरह तारतम्यता से चल रहा है। तो मैं यहाँ बाबू को मसाज करके इसको फीडिंग करा के मैं इसको अच्छे से सुला दूंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बेटा में लग जाते हैं, झुम्मू को वो ब्रश कराएंगे, कराना इसको कुछ भी नहीं पड़ता है, बस इसको दे दीजिए ऊपर में रखा होता है, फिर ये फ्रेश होएगा नहाएगा ये भी। और जब तक मैं बेड से नहीं उठूंगी तो ये भी नहीं उठता है। होता है ना कि माँ जब एक्टिव हो जाती है तब बेटा एक्टिव होगा, बच्चा एक्टिव होगा, और ये अभी किचन चले गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आवाज़ कुछ आ रही है, तो ये थोड़ा हेल्प मेरी कर देते हैं। सुबह सुबह प्याज काट दिए, टमाटर काट दिए या आटा निकाल दिए, मिलाने तो इनको नहीं आता है, पनीर क्रश कर दिए, अगर आलू पराठा बनाना है तो आलू बॉयल कर दिए। तो बने रहिएगा लास्ट तक डियर, मैं शेयर करूँगी सुबह से लेकर अपना पूरा रूटीन कैसे क्या करती हूँ। यहाँ पर 7:15 हो रहे हैं और मैंने तुलसी पिंडा को धो लिया है, पूजा कर रही हूँ, और बेटा को भी चाहती हूँ कि रोज़ ये जल चढ़ाए, क्योंकि इतना समय तक वो भी नहा लेता है। तो मैंने उसको आवाज़ दिया तो वो अभी ड्रेस पहन ही रहा था, लेकिन वो आ गया, उससे भी जल चढ़वा दूँगी। और अभी धूप निकल ही रही है तो बिल्कुल अच्छा लगता है सुबह सुबह जब आप बिल्कुल सवेरे उठ जाते हैं और सवेरे के साथ सारा काम हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, मसाज देने के पहले झाड़ू पूरा लगा देती हूँ बिल्कुल अच्छे से, मैं वेट नहीं करती हूँ, और ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का लगा दिया। पहले मैंने आपको कहा था कि मैं सटा देती हूँ, लेकिन अब मैं लगा देती हूँ, बेड सबके नीचे तो नहीं, क्योंकि फिर तुलसी पिंडा धोती हूँ, बासी में उठना या काम करना या नहाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वो आ गए हैं काम करने के लिए, इसीलिए किचन पूरा बिखरा है, तो वो अभी झाड़ू लगा रही हैं, तो मैंने कहा कि आप पहले किचन देख लीजिए, तो वो झाड़ू लगा के अब किचन देखेंगे। तो यहाँ पर आलू बॉयल होकर के मैस नहीं ये किए हैं, सिर्फ आलू का छिलका उतार दिए हैं, तो यही मेरे लिए काफ़ी है, इतना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन और बनाऊंगी बाबू का नाश्ता। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उसको दूध रोटी दे रही हूँ, दूध रोटी खाना मैंने कई वीडियो में बताया है काफ़ी लाभदायक होता है। किचन अभी इसी तरह बिखरा है, तो मैंने उसको दूध रोटी दे दिया, क्योंकि उसने ड्रेस पहन लिया था, अब इसके पापा उसको जब तक दूध रोटी खिलाएंगे, जूता मोजा पहनाएंगे, तब तक मैं उसका यहाँ टिफ़िन रेडी कर लूँगी। और ये जो भी मैं बाबू को टिफ़िन देती हूँ वही सारा मटेरियल जो है मैं रख देती हूँ उठा के, फिर 2 घंटे के बाद मैं बनाकर इनको भी यही टिफ़िन दे देती हूँ, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू पराठा बना दिया है, टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक हो गया है, बेड सोफ़ा वगैरह भी मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया है, क्योंकि सुबह से आप देख रहे हैं लगातार मैं किस कामों में लगी हुई हूँ और कैसे कर रही हूँ।
तो यहाँ पर जब तक ये जूता वगैरह का पॉलिश करेंगे तब तक मैं इसको पेंसिल वगैरह शार्प कर दूँगी, सारा बुक वगैरह चेक कर लूँगी रूटीन के अनुसार क्या है नहीं है, क्योंकि इसका रूटीन स्कूल से आया है तो मुझे आज लिखना भी है इसका रूटीन। और दोपहर वगैरह में टाइम जैसे ही निकलता है रूटीन, तो मैंने जो भी बनाया है उसके बीच से भी समय निकाल निकाल कर मैं अलग अलग काम करती हूँ, तो देखते रहिएगा लास्ट तक मैं कैसे क्या करती हूँ। तो ये रख लेता है, रात में ही मैं इसे बुक रखवा देती हूँ ताकि सुबह ये 10 मिनट ज़्यादा सो ले, क्योंकि सुबह उठने में बच्चे को, जब बड़े लोगों को उठने की इच्छा नहीं होती, ये तो बच्चा है, तो फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये जूता वगैरह पहन के रेडी हो गया है और बैग सब कुछ इसका फिट हो गया है, तब जब रेडी हो जाता है, इसके पास समय बचता है, तब ये गेम देख लेता है। और यहाँ पर गाड़ी आ गई है, ये इसको लेकर जा रहे हैं। और इसके जाने के बाद फिर एक काम से निपट जाती हूँ, फिर जब मेरी बेटी उठ जाती है या रोने लगती है तो ये थोड़ा सा उसको देखते हैं, और मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, जो भी है अपना सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, क्योंकि अब मैंने धीरे धीरे किचन का काम संभालना शुरू कर दिया है। और बहुत दिन इन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत संभाला, लेकिन अभी भी जब देखते हैं कि पूरा बाबू रोने लगती है या मैं बिल्कुल ज़रूरी कामों में व्यस्त रहती हूँ, तो अभी भी ये साथ देते हैं। इसीलिए हाउस हेल्पर ने मेरी 2 दिन का बोली कि 26 और 27 नहीं आऊँगी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं 2 दिन लगातार नहीं दूँगी छुट्टी, मैं कैसे करूँगी, तो बोलती हैं भैया हेल्प कर देंगे। मैंने कहा भैया कितना दिन हेल्प करेंगे, बहुत वो हेल्प किए। और यहाँ मेरा बेटा चला गया है। और ये देखिए तुलसी का पौधा, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि दिखाऊंगी। और ये देखिए कितना अच्छा ये पौधा खिल के आया है, और ये खिल उग के आ ही रहा है, और भी छोटे छोटे कई सारे पौधे हैं। और यहाँ पर मेरा पूजा वगैरह हो गया है, मन बिल्कुल फ्रेश और अच्छा लग रहा है। सवेरे नहाने से और सारा घर का काम साफ सफाई होने से मन बिल्कुल फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। और यहाँ दीपक भी जल रहा है, तो आप लोग भी ऐसा ट्राई करके देखिएगा। और अब यहाँ पर सारा काम हो गया है, चाय वगैरह भी पीना हो गया है, सब कुछ हो गया है, वो काम करके चली गई हैं, तो अब मैं खाना में लगूंगी थोड़ा देर। जब तक चाय बनाकर पिया तब तक हम लोगों ने आपस में कुछ बात कर ली, तो लगभग अभी 8:30 हो रहे हैं, अब से मैं खाना में लगूंगी और 9:15 बजे तक मैं खाना बना लूंगी। साइड में मूंग और चना रखा था जो कि ससुराल से मेरे ससुर ने भेजा है, तो ससुर ने बहुत कुछ दिया है पापा जी ने, जैसे चना मूंग मसूर ये सब घर में होता है, तो चूँकि ये बात करने के लिए आज मुझे बहुत लंबे समय तक बैठा दिए, 9:15 बजे तक बैठा दिए, तो बोले क्या कि अब मैं तुमको हेल्प कर दूंगा, कोई बात नहीं थोड़ा बात कर लो, क्योंकि एकदम बिल्कुल इस समय पूरा घर शांत रहता है, बेटी भी इस समय सो जाती है मेरी गोद में लेकर, सुला देती हूँ उसको, प्रॉपर समय देती हूँ, फीडिंग करा देती हूँ, वो भी सो जाती है, बेटा भी चला जाता है, काम कर भी वो चली जाती हैं, तो हम दोनों बचते हैं बात बात करके, तब ये यहाँ इधर मैंने कहा आप सिर्फ दाल चढ़ा दीजिए और मैं इधर सब कुछ बना लूँगी। तो आज भिंडी थोड़ा सा था, तो जो बॉयल किया हुआ आलू था सुबह का, उसका मैं जो चोखा बनाऊँगी आलू पराठा बनाने के लिए, उसी में वो रख दूँगी, भिंडी का भुंजिया, दाल चावल कुछ होगा अगर, तो अगर मैं कर पाई तो मैं पापड़ तल लूँगी, देखती हूँ क्या कुछ संभव हो पाता है, तो दोनों तरफ चढ़ा देती हूँ, उधर वो दाल बना देंगे, इधर मैं भिंडी में छौंक लगा दूँगी, उधर चावल चढ़ा दूँगी। इस तरह से चावल अभी मैं निकाल रही हूँ धोकर, तो बिल्कुल ये रूटीन। और लोग एक दिन एक काम करता है, लेकिन मैं 8 अगस्त से कंटिन्यू ये कर रही हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और बिल्कुल देखिए दिन भर तो काम करना ही पड़ता है, मैं दिन में सोती नहीं हूँ, बहुत शाम होते होते मेरी हालत बिगड़ने लगती है, तो मैं दिन का भी खाना सवेरे ही बना देती हूँ, और देखती हूँ कितने बजे तक का आप लोगों से मैं अपना रूटीन शेयर कर पाती हूँ। तो यहाँ पर बस इधर देखिए चावल चढ़ गया है, और अब मैं यहाँ पर भिंडी में छौंक लगा रही हूँ, और भिंडी में छौंक लगाने के बाद मुझे एक चक्कर लग गया, मैंने सारा भिंडी खोल दिया क्योंकि नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं अच्छे से कढ़ाई को धो लूँगी, फिर से थोड़ा तेल डाल के फिर भिंडी डालूँगी, भिंडी थोड़ा ज़्यादा कम था और नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, तो इधर मैं ये कर लूँगी। और बिल्कुल उधर वो दाल चढ़ाकर टाइम फिक्स करके वो स्नान करने चले गए, क्योंकि 9:30 कितना भी बात कर लेंगे, जाना तो ऑफिस समय पर ही है, 9:30 बजे उनको निकलना भी है, तो कुछ बर्तन हैं जो कि स्लैब्स पर रखा था उसको भी मैंने अरेंज कर लिया, स्लैब्स को भी बीच बीच में पोंछ लेती हूँ क्योंकि भींग जाता है, और ये जो टमाटर और प्याज सुबह चोखा में डालने के लिए कटा था तो उसको मैंने प्लेट में रख दिया, सलाद के लिए मैंने सब कुछ निकाल लिया है, खीरा है, चुकंदर है, मूली है, बंधा गोभी है, क्योंकि सलाद खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, मेरे डिलीवरी को 2 महीने हो गए और लगातार सलाद खा रही हूँ, डॉक्टर ने भी ऐसा कहा है, इससे काफ़ी फ़ायदे हैं, मेरे हस्बैंड खुद नियमित रूप से बनाते हैं सलाद, तो अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ क्योंकि वो नहाने चले गए, तो यहाँ पर देखती हूँ क्या कुछ खाना तैयार हो पाता है। और इधर देखेंगे एक में चोखा बना हुआ है, एक में
आलू रखा हुआ है जिसको कि मैं अभी बनाऊंगी। ये बना हुआ थोड़ा सा चोखा था जो सुबह का बच गया था, इसी बीच में मैं पपीता काट कर खा लूँगी। अभी गोंद का लड्डू नहीं बनाया है, गोंद का लड्डू मैंने सोचा है बनाऊँगी, उसमें काफ़ी परेशानी है, देखती हूँ किस दिन बना पाती हूँ। आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि गोंद का लड्डू बनने से क्या होता है, सुबह उठ के आप एक खा लीजिए, पानी पी लीजिए और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। तो बहुत जल्द मैं बनाने वाली हूँ, रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं पपीता भी काट रही हूँ, उधर चावल हो रहा है, भिंडी का भुंजिया हो रहा है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। और अचीवमेंट इन ऑल मेरे चैनल का नाम है जिस पर कि हर तरह के वीडियो आते रहते हैं। दो दिन से नहीं आ रहा था, थोड़ा सा परेशानी में मैं थी, वो भी आगे बताऊंगी किसी वीडियो में क्यों नहीं आ रहा था। वही गोंद के लड्डू वगैरह बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, थोड़ा घर वगैरह साफ़ सुथरा करना पड़ जाता है, तो मैंने सारा लिस्ट वगैरह तैयार किया गोंद के लड्डू में क्या क्या लगना है, दूसरे तीसरे कामों में थी इसीलिए मैंने नहीं शेयर किया। और यहाँ पर दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो मैंने थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया है, पानी उबल जाएगा दाल में मिला दूँगी और दाल में छौंक लगा दूँगी। और लगे हाथ मैं खाना पीना करने का, सारा बर्तन भी एक साथ जमा करके पानी डाल के छोड़ देती हूँ क्योंकि बार बार मुझे किचन आना नहीं पड़े। और यहाँ पर मैंने खाना रेडी कर दिया है, दाल अरहर की दाल है और भिंडी का भुंजिया है, चोखा है, अचार है, चावल है, सलाद है, पापड़ है। क्योंकि अगर थोड़ा सा हल्का सूखा सब्जी बनाइए तो अरहर की दाल थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है, मैंने सोचा कहीं ये गुस्सा ना कर ले, गुस्सा तो नहीं करते हैं लेकिन अरहर का दाल आज बना लिया है। और जब तक उनको खाने दिया है वो खा रहे हैं तब तक मैं उनका टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी रो रही है, बहुत मुश्किल है, यही सब कारण है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, चाह कर भी नहीं डाल पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनके लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, टिफ़िन देने के बाद उनको भेजने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना खाना निकाल लूँगी, तो रात की 4-5 रोटियाँ बची थी तो मैं उसको बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी, उसी को मैं शुद्ध घी में गर्म कर रही हूँ। तो शुद्ध घी में मैं उसमें सेक लगा लूँगी और भिंडी का भुंजिया, चोखा और सलाद ले लूँगी, दाल ले लूँगी, मैं अचार नहीं खाऊँगी। अचार खाने से कहा जाता है कि बच्चे को उल्टी होने लगती हैं। और मेरे अगले वीडियो का भी ज़रूर इंतज़ार करिएगा कि मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क है कम हो गया था तो मैंने कैसे उसको इंक्रीज किया, ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे खाने को अच्छे से रख देती हूँ, अब मेरा बेटा आएगा, जब बेटा को दूँगी तब फिर मैं खाऊँगी। तो मैंने अपना खाना भी लगा लिया, अब मैं उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। बेटी को प्यार कर रहे हैं तो बोले मुझे गेट लगा लो, मैं निकल रहा हूँ और इसको प्यार कर रहे हैं, तब मैं जा रही हूँ गेट लगाने के लिए और उसके बाद इनके जाने की, क्योंकि ये जूता वगैरह पहनने लगे तो मैं खाना लेकर बैठ गई। क्योंकि हेलो डियर, कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए समय कितना हो रहा है, 10:10 हो रहा है और मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया है। और अब मैं अपनी बेटी को रेडी करूँगी, यहाँ हॉल में आ गई तो अंधेरा हो गया है। तो अब देखिए, अब मैं पूरा एक घंटा पूरा अपनी बेटी के साथ निकालूंगी, 10:10 हो गया है, 11:45 तक। तो इतना काम मैंने सुबह से निपटा लिया है, तो रूटीन बनाने से यही होता है।
अभी तक जितना भी जैसे भी मैंने बनाया है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, और 11 बजे के बाद फिर मैं 11 से 1 एडिटिंग वगैरह करती हूँ वीडियो का, 1 से 2 मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। यहाँ बेटी का मसाज मैंने कर दिया है, मसाज करने के बाद अब बेटी का स्नान करना है, मुझे नहाना है बेटी को, तो आज वो भी शेयर करने वाली हूँ मैं किस तरह से नहाती हूँ। इतने छोटे बच्चे को नहलाना बहुत मुश्किल होता है। अपने बेटा को जब मैं नहलाती थी, दिल्ली में थी मैं उस समय, तो मुझे बहुत मुश्किल होता था, जबकि वो 3.5 महीने का हो गया था तब मैं दिल्ली गई थी, फिर भी मुझे मुश्किल होता था, लेकिन मेरी बेटी अभी इतनी छोटी है फिर भी मैं आराम से इसको नहला लेती हूँ शैम्पू वगैरह करा के। तभी मैं इसके सर में शैम्पू करा रही हूँ। बेबी को एक टेक्निक के द्वारा नहलाया जाता है जिससे कि बच्चे रोए भी नहीं और आराम से उसका पूरा हर चीज़ साफ़ हो जाए और कहीं कान आँख नाक में पानी ना जाए, तो बिल्कुल आराम से मैं इसको नहला लेती हूँ। और नहा जिस दिन मैं इसके सर में शैम्पू देती हूँ उस दिन ये बहुत ज़्यादा सोती है। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, मैं बचपन का वीडियो फ़ोटो शेयर करूँगी, एक भी बाल नहीं था मेरे बेटा के सर में, लेकिन मेरी बेटी को बाल है, तो मैंने शैम्पू वगैरह करके इसको नहला दिया और इसको अच्छे से पोंछ लूँगी और काजल पहना दूँगी, फ्रॉक पहना दूँगी, उसके बाद इसको फीडिंग करा दूँगी, उसके बाद ये भरपूर सोएगी। जब ये लंबा सोती है तब फिर मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। और 1 घंटा तो इसमें समय लग ही जाता है, 15 से 20 मिनट तक मसाज, 10 से 15 मिनट तक नहला कर पोंछ कर कपड़ा पहनाने में, और फिर फीडिंग कराइए, थोड़ा सा इसके साथ खेलिए, इससे बात करिए, ये बहुत समय लेती है। तो उसको मैंने वहाँ पर लेटा दिया है और अब मैं इस रूम को ठीक करने आ गई हूँ। तो जिस तरह से जैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि बेड अभी मैंने ठीक किया ही नहीं है, उठ के सीधा काम में लग जाती हूँ, किसी किसी दिन बिल्कुल सवेरे कर लेती हूँ, इनको पकड़ाती हूँ बाबू को और बेड को ठीक कर लेती हूँ, किसी किसी दिन जैसे वो आ जाते हैं काम करने के लिए, तो हर तरह से होता है। ये बेड जो है सुबह उठ कर मैं मैक्सिमम करती हूँ, लेकिन कभी कभी रह जाता है, इसको मैंने सारे कपड़े को फोल्ड कर लिया। 11:10 हो रहा है और 1 घंटा इसके पीछे लग जाता है, इसलिए मैंने 10 से 11 रूटीन सेट किया। मैं आपको अभी टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए 11:10 हो रहा है। यहाँ मैं अपनी बिटिया रानी को थोड़ा सा झूला झूला दूंगी। झूला नहीं खरीदा है, क्यों नहीं खरीदा है मैंने बताया है कई वीडियो में, हम लोगों में रिवाज नहीं है खरीदने का। और बेटी को सुलाने के बाद यहाँ पर लगभग 12:50 हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था 11 बजे से 1 एडिटिंग करती हूँ वीडियो वगैरह का, तो यहाँ पर 12:50 से 1:10 हो रहा है, क्योंकि मैं इसको टेबल दे रही हूँ, इसका मैंने रूटीन बनाया 10-15 मिनट से, इसके कॉपी में मैं होमवर्क दे रही हूँ, तो इसी में 15 से 20 मिनट समय लग गया। अभी मैं इसके रूटीन को दिखाती हूँ। और जो ससुराल से मसूर वगैरह आया था उसको मैंने धूप में डाला है, बहुत ज़्यादा है मसूर, तो उसमें थोड़ा चींटी लग गई थी, चींटियाँ मेरे घर में बहुत होती हैं, तो बालकनी में धूप था तो मैंने बालकनी में दिया है। तो अब मैं बेटा का वेट कर रही हूँ, मेरा बेटा 1:30 बजे के आसपास आता है, तो जब तक वो आएगा तब तक मैं मसूर को भी उठा लूँगी, क्योंकि बारिश होने की भी संभावना है, बादल लगाया है और कभी कभी मोटर चलता है नीचे से तो पाँव खुला रह जाता है, तो बालकनी में पानी आ जाता है, तो मेरा मसूर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं मेरे पास अभी समय है तो इसको मैं उठा लूँगी, क्योंकि अभी 1:15 लगभग हो रहा है, अभी बेटा को आने में 15 से 20 मिनट है। तो अभी मैं अपने बेटा का रूटीन दिखाती हूँ आपको, ये देखेंगे इसका 5 तक का रूटीन बनाया फ्राइडे तक का। और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी, यहाँ से मैं अपने बेटा को देख भी ले लूँगी,
देखते रहूँगी उसकी गाड़ी कब आती है। और यहाँ पर मैं मसूर भी उठा लूँगी। और ये अचार दीदी लाई थी जब बाबू के छठी में आई थी, अचार में भी धूप लगने को दे दिया है। कुछ कपड़े भी बाल्टी में हैं, उसको भी डालना है, कुछ डाल दिया है, ये भी सूख रहे हैं, तो इसको मैं सूख से साफ़ कर लूँगी मसूर को, और उसके बाद इस डब्बे में रख दूँगी। तो यहाँ पर ये रखते रखते मेरा बेटा अब लगभग आ ही जाएगा, और वीडियो बड़ा हो गया डियर, नहीं तो मैं पूरे दिन से रात तक का रूटीन शेयर करती। तो आज मैं बस यहाँ तक शेयर किया कि मेरा बेटा आया, 1:30 बजे के आसपास मेरा बेटा आ जाता है, 1:30 से 1:45 के आसपास उसका ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, फिर सब कुछ खाना गर्म करती हूँ, उसको खाने देती हूँ, और उसको खिलाते खिलाते 2:30 से 2:45 हो जाता है, और 3 बजे के आसपास उसको लेकर चलती हूँ सुलाने के लिए, और 3 से 5 वो सोता है, फिर 5 बजे उठती हूँ मैं भी 3 से 5 क्या करती हूँ। तो अगले दिन मैं इसके आगे रूटीन शेयर करके दिखाऊंगी। और यहाँ मेरा बेटा आ गया है। तो डियर उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, और ये सुबह से दोपहर तक का मैंने आपको रूटीन दिखाया। यहाँ से बस वही है कि अब मेरा बेटा आया, पैर हाथ धोएगा, खाना दूंगी, खाएगा, टीवी देखेगा, और उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मैंने 10 से 11 बजे के आसपास बेटी को नहलाया तो मैंने क्यों नहीं उठाया। तो आज चूँकि मैंने दूसरे काम में हाथ लगा दिया था, मसूर को डाला था, बार बार उसको देखती थी, फिर बीच में कपड़ा धोकर डाल दिया, तो मैंने सोचा अगर बेटा को सुला के फिर मैं ये सारा चीज़ करूँगी, अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी, सोफ़ा वगैरह साफ़ करूँगी, बेड शीट ठीक कर दूँगी, तब फिर मैं होगा तो आराम करूँगी। तो मैं अगले दिन से आपको बेटा के स्कूल आने के बाद से दिखाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो इसी तरह बीच बीच में समय निकाल कर, क्योंकि होमवर्क देना बेटा का तो ये रूटीन में नहीं है, लेकिन मुझे रोज़ देना होता है, क्योंकि बच्चे के पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और आज एक्स्ट्रा क्या हो गया कि मैंने मसूर डाल दिया था बालकनी में, बीच में मैंने कपड़े भी धो लिए, तो कुछ कुछ काम डालते रहती हूँ। और चूँकि अब बेटा का को यहाँ 1 घंटा समय लगेगा, तो मेरी बेटी के मसाज का भी समय हो गया है, 3री बार मसाज होगा इसका, 3री बार मसाज मैंने 2:30 बजे के रूटीन में डाला है, इसलिए बेटी को भी यहाँ ला कर सुला दिया है, वो भी उठ गई थी। तो जब तक मेरा बेटा खा कर टीवी देखेगा मैं इसको मसाज करूँगी। तो इस तरह से 3 बार इसका तेल हो जाएगा। तो ये भी शेयर करूँगी कि 3 महीने तक बच्चे को कितने बार तेल देना चाहिए डियर। तो 3 महीने तक बच्चे को कम से कम 6 बार तेल देना चाहिए, लेकिन मैं 5 बार दे पाती हूँ। कब कब देती हूँ ये तो तीसरा टाइम, 2:30 बजे तक 3 बार देती हूँ, 1 बार 6 बजे के आसपास देती हूँ, और 1 बार सोने के समय, तो 5 बार देती हूँ। चलिए डियर बाबा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।